हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ सेगमेंट्स, और उस पर बेस्ड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो सो समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लेते हैं, बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। सर्कल हम सभी लोग जानते हैं, सर्कल इसमें कुछ और फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस सर्कल के लिए, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या कहेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये कहलाता है सर्कमफेरेंस। इसी को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और इसका फॉर्मूला हम सबने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, दैट इज 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं, और इसमें एक दूसरा फॉर्मूला आएगा जो यूज होगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया कितना है, सो अगेन ये भी फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसी सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमको बहुत बार यहां पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब रिकॉल करते हैं सेक्टर को। सेक्टर क्या होता है, ये अगर कोई दो रेडियाई बने हुए हैं यहां पर, और यहां इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, दो रेडियाई और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं। जैसे कि ये यहां पर बना हुआ है, देखो ये पोर्शन, दो रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं ये, इन दोनों रेडियाई और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का पोर्शन सेक्टर कहलाता है। सेक्टर को आप रिजेंबल कर सकते हो पिज्जा से। आप में से सभी लोगों ने पिज्जा खाया है, पिज्जा देखा है, यस बिल्कुल देखा है। सो ए पिज्जा का जो एक पीस होता है, ये एक पीस रिजेंबल करता है सेक्टर, ये बिल्कुल सेक्टर जैसा दिखता है पिज्जा। सेक्टर मतलब पिज्जा, पिज्जा का जो पीस है वो बिल्कुल सेक्टर जैसा दिखता है। बस यहां से आप उसको याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्टर मतलब पिज्जा, पिज्जा का एक पीस इक्वल टू सेक्टर, यहां सेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। इसको यहां से याद रखने के लिए आप सोच सकते हो। अब देखो यहां पर ये जो एक सेक्टर है, ये जो दो पोर्शन है, इस पोर्शन की वजह से ये पूरा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। एक पार्ट ये पार्ट है, इतना पोर्शन, और एक ये पूरा बचा हुआ पोर्शन। सो जो छोटा पोर्शन है इसको हम कहते हैं माइनर, जो छोटा होता है उसको कहते हैं माइनर, और ये सेक्टर है तो दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। ये बचा हुआ जो पोर्शन है, ये बड़ा पीस है, इसको हम बोलते हैं मेजर, दैट इज मेजर सेक्टर, ठीक है। सो ये दो पोर्शन मिल गए हमको, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर, ठीक। लेकिन जब भी क्वेश्चन में, हमारी सिलेबस में जब भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनर सेक्टर निकालना है कि मेजर सेक्टर निकालना है। बिल्कुल समझ के चलेंगे, जब भी हमें दिया है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, तो हमें हमेशा माइनर सेक्टर को ही फाइंड करना है, मेजर की बात नहीं हो रही है। वो सिर्फ सेक्टर लिखने से माइनर सेक्टर को समझना है, बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे इस सिलेबस का एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए हम यूनिटरी मेथड को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कैसे। एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओ है और ये रेडियस है इसका, रेडियस आर है ना, रेडियस आर है इसका, ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं इस एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, सो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आप सभी को याद है, पहले हमने पढ़ा भी है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब मेरा सवाल यह है कि अगर हम इस पूरे एंगल को नापेंगे,
इस रेडियस से पूरे नापेंगे एंगल को यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना डिग्री आएगा? किसी सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे इट इज 360 डिग्री। सर ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। सो मैं यहां पर कहूंगा कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है उस पोर्शन, उस बात के लिए कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर है। नाउ इस बात को लिख लेते हैं, फॉर 360 डिग्री एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने यहां स्मॉल आर लिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूं, मुझे सिर्फ एक डिग्री का ही चाहिए पोर्शन, हमें पूरा कंप्लीट नहीं चाहिए, फॉर वन डिग्री, क्योंकि सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई के बीच का पोर्शन होता है। अगर वन डिग्री होगा, फॉर वन डिग्री यूनिटरी मेथड है, फॉर वन डिग्री एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 यूनिटरी मेथड। फॉर 360 कंप्लीट एंगल के लिए कंप्लीट एरिया, और अगर मुझे उसको वन डिग्री में कन्वर्ट करना है दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 360। जब भी हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की तो हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू रेडियाई। अगर यहां पर ये दो रेडियाई हमें दिए हुए हैं और इनके बीच का एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल हमें थीटा दिया है, इन दोनों रेडियाई के बीच का एंगल अगर हमें थीटा दिया हुआ है, तब रेडियस की तब एरिया कितना होगा ये हमें बताना है। 360 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, 1 डिग्री के लिए इट इज पाई आर स्क्वायर बाय 360, लेके फॉर थीटा डिग्री एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल कह रहे हैं, एरिया ऑफ पोर्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इनटू थीटा। और ये बन जाता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। इन दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बन रहा है वही तो सेक्टर होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, बिल्कुल ध्यान से देखिए, दो एंगल, दो रेडियाई के बीच में थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, और उन दोनों के पोर्शन को ही तो, उनके बीच वाले पोर्शन को ही तो हम सेक्टर कहते हैं। सो फॉर थीटा डिग्री एरिया ऑफ दिस पोर्शन, एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। वन डिग्री से इतना बन रहा था, वन डिग्री से इतना बन रहा था एरिया, थीटा डिग्री से इतना एरिया बनेगा। और इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। और इसको अपनी फॉर्मूला कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इट से इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि यहां पर हमें कह रहा है एरिया ऑफ, हमें बताना है किसी सेक्टर का जिसका रेडियस आर इज इक्वल टू, नाउ गिवन क्या है, गिवन है हमें आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए जो है दोनों रेडियस के, दोनों रेडियाई के बीच के इस एंगल को थीटा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री दिया है, जो हमने यहां थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, दैट इज 60 डिग्री। सो अब एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, सीधे सीधे आप सॉल्व कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, दैट इज थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई, या पाई की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे,
पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। अगर यहां पर क्वेश्चन में दिया है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 या एनीथिंग एल्स, तो आप वो वैल्यू लेंगे, अदरवाइज लेने वाले हैं पाई की वैल्यू 22/7। रख लीजिए यहां पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। नाउ रेडियस इज 6, दैट इज 6 का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, यूनिट रहेगी देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 60, यहां 360 है, दैट इज 6 आ जाएगा। इस 6 से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे इट इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला लगाया हमने एरिया ऑफ सेक्टर का, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दी हुई थी, आसानी से धीरे धीरे उसको सॉल्व करते चले गए। पाई की वैल्यू पाई 22/7 रखनी है एंड सिंप्लीफिकेशन धीरे धीरे सॉल्व करना है, आंसर करेक्ट आना ही है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड घड़ी में आपने देखा है ना, क्लॉक में मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है, और सेकंड के लिए भी एक घड़ी सुई होती है, सेकंड एंड। तो अब देखो यहां पर हमें मिनट एंड हैंड की बात बोल रहा है। इस मिनट हैंड घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस घड़ी की सुई की लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और ये फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड इन 5 मिनट्स। अब ये सुई कहीं किसी पोजीशन पे है किसी समय पर, यहां से 5 मिनट बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, 5 मिनट में ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया स्वेप्ट बाय दिस इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में इसमें कितना एरिया स्वेप्ट किया, यानी कि इस पूरे एरिया का एरिया हमें फाइंड करके देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, इस पूरे एरिया को फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है जो एरिया जो है, दिस इज बिल्कुल बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ही बन रहा है ये। अगर हम इस सेक्टर का देखो, पिज्जा का पीस जैसा दिख रहा है हमको, सो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। अब यहां इस केस में जो लेंथ है इस घड़ी की सुई की, मिनट हैंड की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यही तो इसका रेडियस बन रहा है। सो यहां समझ लो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना है ना, ये जो लेंथ है यही तो इस क्लॉक का, इस एरिया जो स्वेप्ट हो रहा है उससे रिलेटेड रेडियस है। ठीक, और कितना एरिया स्वेप्ट हो रहा है वो बताने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज थीटा, जो इनके बीच का एंगल है दोनों पोजीशंस, पहली पोजीशन सुई की और दूसरी पोजीशन, दोनों पोजीशंस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो भी हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हम सेक्टर एंगल कहते हैं। लेकिन यहां पर वो एंगल हमें दिया हुआ नहीं है, और जब तक ये एंगल नहीं होगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो तो पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। सो ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई है किसी घड़ी में, तो वो अगर एक पोजीशन पे है और पूरा चक्कर लगा के वापस उस पोजीशन पे आ जाती है, तो कितने मिनट्स लगते हैं किसी एक पोजीशन से सुई घड़ी चल रही है और घूम के वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। मिनट हैंड की बात हो रही है, बड़ी सुई की बात हो रही है। सो इट विल टेक 60 मिनट्स, 60 मिनट में ये सुई वापस अपनी उस पोजीशन पे आ जाती है, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद ये घड़ी की सुई वापस उस पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन इस 60 मिनट में ये कितना डिग्री कवर की, इस 60 मिनट्स में ये पूरे के पूरे 360 डिग्री को कवर की, कंप्लीट एंगल बनाई है, यहां से कंप्लीट एंगल बना है ये सुई, यहां से मूव हुई है, पूरा कंप्लीट एंगल बनाई है 360 डिग्री। ठीक है, सो 60 मिनट में ये पूरा की पूरा 360 डिग्री घूमती है, ये बात को हमें लॉजिकली क्लॉक से सीखना पड़ेगा। सो फॉर 60 मिनट
एंगल कवर इज इक्वल टू 360 डिग्री. 60 मिनट में 360 डिग्री कर रही है. फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे फॉर वन मिनट. एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी? एंगल कवर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60. जब भी हम बड़े नंबर को वन में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर को वन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाता है वो नंबर, ठीक है. और हमें चाहिए फॉर 5 मिनट्स. घड़ी ने 5 मिनट चली है. फॉर 5 मिनट्स एंगल कवर हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री इंटू 5. तो 5 मिनट में इसको सॉल्व करोगे सो इट विल बी 30 डिग्री. जब घड़ी की सुई 5 मिनट चलती है, 5 मिनट बताती है, सो जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है. सो जो एंगल थीटा आया हमारे पास, यही तो एंगल थीटा है. दोनों पोजीशन के बीच का एंगल, दोनों रेडियाई के बीच का एंगल को ही तो हम थीटा कहते हैं. तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, दैट इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई. पाई की जगह अगेन 22/7. जब तक हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, 22/7 लेके शुरू करेंगे. आर स्क्वायर रेडियस ऑफ दिस, यहां पर रेडियस क्या है? लेंथ ऑफ क्लॉक जो है वही बनेगा रेडियस, दैट इज 14. स्क्वायर करना है, दैट इज 14 इंटू 14, है ना. आर स्क्वायर 14 स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14. यहां पर जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं. जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, है ना. 3 × 3 = 12 आ गया यहां पर. 7 × 2 = 14 आ गया यहां पर. 2 × 12 = 6 आ गया यहां पर. और यहां आ गया 3, यहां आ गया 11. चलो, सो दैट इज, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस मिनट हैंड ने यहां 5 मिनट जब चलेगी तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को स्वेप्ट करेगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से बनाएंगे.